गुरुग्राम के बसई रोड पर एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां एक पैदल जा रहे व्यक्ति को बाइक सवार युवक ने टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, बाइक सवार युवक ने एक स्थानीय युवक के साथ मिलकर पीड़ित को आनन फानन में निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने पीड़ित को मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान पप्पू के रूप में हुई है, जो कि बिहार का रहने वाला था और घटना स्थल से 2 कदम की दूरी पर ही एक ऑफिस में मुंशी का काम करता था। हादसे के समय पप्पू अपने ऑफिस से निकलकर रोड पार करके निजी काम के लिए जा रहा था। अचानक रॉन्ग साइड से एक KTM बाइक सवार युवक ने पप्पू को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे पप्पू मौके पर ही लहूलुहान हो गया। इस दौरान घटनास्थल पर एक दम से हड़कंप मच गया और आसपास के स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। ऑफिस से बाहर निकले हैं जी, वहाँ से निकलते ही बाथरूम करने जा रहे थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, बाइक वाला रॉन्ग साइड आया, उन्हें रॉन्ग साइड टक्कर मारी है जी। वो बिहार का रहने वाला है, वैसे यहाँ पे मतलब जॉब कर रहा है। अभी मैं चारपाई पे बैठे थे तो बाइक की आवाज़ आई, एकदम पटाक दे सी आवाज़, वो बाइक खड़ी सामने, एकदम खड़े हुए मैं जाकर देखा तो बाइक को खड़ी करने लगा, वैसे बाइक में कुछ छोटी मोटी चोट लगी थी, वैसे ही देखा तो बंदा पीछे पड़ा, वो नीचे खून निकल रहा उसके सर से मुँह से और बहुत ज़्यादा उसको चोट लगी है। ये बाइक वाला रोन साइड आ रहा था, बहुत ही स्पीड में था और वहां से टक्कर मार के वहां खड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची शिवाजी नगर थाना पुलिस ने बाइक सवार युवक को हिरासत में लेकर आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बता दें, इस घटना ने ये सबक जरूर दिया है कि चाहे हम कितनी भी जल्दी में क्यों ना हो, लेकिन हमें अपने वाहन हमेशा नियमों के तहत ही चलाने चाहिए। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए विजेंद्र कुमार की खास रिपोर्ट।